हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आप देख रहे हैं फिटनेस लवर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम रोज़ 100 पुशअप्स लगाएं तो क्या होगा। क्या रोज़ 100 पुशअप्स लगाना ठीक है, क्या रोज़ 100 पुशअप्स लगाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुशअप वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज दैट्स इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड बिल्ड योर अपर बॉडी मसल्स मास फॉर चेस्ट शोल्डर एंड ट्राइसेप। इसलिए कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और कम से कम डेली 100 पुशअप लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं अगर 100 पुशअप्स डेली मारे, ये कितना हमारी बॉडी को फायदा देगी, कितना हमारा मसल्स मास गेन करेगी, कितना हमारा स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, कोई इफेक्ट साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। द फर्स्ट स्टेप फॉर मैक्सिमाइज योर गेन एंड मिनिमाइज योर इंजरी दैट वाज योर करेक्ट फॉर्म। दोस्तों, 2015 में की गई रिसर्च में ये पता चला कि पुशअप मारने से कौन कौन सी मसल्स सबसे ज़्यादा टारगेट होती हैं। इसमें सबसे पहले ये हमारा चेस्ट, ट्राइसेप, फ्रंट डेल्ट, कोर एंड द लास्ट वन है सेराटस इंटीरियर। तो ये 5 मसल्स जो हैं वो पुशअप मारने से एक्टिवेट होती है। पुशअप मारने से हमारी बॉडी की मसल्स पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितना ग्रोथ होता है, 2017 में इसके ऊपर एक रिसर्च करी गई जिसमें टू ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, एक अनट्रेंड ग्रुप एंड ट्रेंड ग्रुप। पहला जो ग्रुप था वो सिर्फ पुशअप्स मार रहा था और जो दूसरा ग्रुप था उसने बेंच प्रेस, और आपको यकीन नहीं होगा 8 वीक्स बाद जो रिजल्ट आया उसने सबको चुका दिया। 8 वीक्स के बाद दोनों ही ग्रुप के चेस्ट और ट्राइसेप्स मसल ने सेम ग्रोथ किया था, कोई भी नीचे ऊपर नहीं था। तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, अभी जिम की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए पुशअप एक अल्टरनेट है और मतलब बेंच प्रेस। तो फ्रेंड्स, जब आप 100 पुशअप डेली मारना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वीक तक क्या होगा, आपको अपने चेस्ट में और ट्राइसेप में बहुत ज़्यादा सोरनेस, बहुत ज़्यादा फैटिक सूजन देखने को मिलेगी, ये फर्स्ट वीक के दौरान होगा। उसके बाद सेकेंड वीक में क्या होगा, आपका जो स्ट्रेंथ बजाय बढ़ने के वो कम हो जाएगा, आप 70 या 80 पुशअप्स एक बार में मार पाओगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सेकेंड वीक में तो स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, ये कम क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ये जानने के लिए हमको 1997 में की गई एक रिसर्च पर की तरफ जाना पड़ेगा। उस रिसर्च में देखा गया कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती है वो रिपेयर होने में, रिकवर होने में कितना टाइम लेती है। तो रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि मिनिमम 48 आवर्स का टाइम लेती है मसल्स रिकवर होने में, रिपेयर होने में। तो अगर आप डेली पुशअप्स 100 पुशअप्स डेली मारेंगे तो आपकी मसल्स बजाय बढ़ने के वो डैमेज हो जाएगी और जहाँ है वहीं रहेगी। इससे आपके ना तो चेस्ट में ग्रोथ होएगा, ना ही आपके स्टेमिना में ग्रोथ होगा और ना ही आपकी स्ट्रेंथ में ग्रोथ होएगा। और इसके अलावा जो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वो है आपका इससे कोहनियों में और आपकी कलाइयों में पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमको जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या है, अच्छा, पुशअप्स मारने से आपकी सिर्फ फ्रंट बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, इससे आपकी फ्रंट बॉडी तो मजबूत होगी लेकिन वो आपकी बैक पे कोई भी असर नहीं डालेगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि आपकी बैक झुकना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका अगला हिस्सा भारी होगा, वो पीछे के हिस्से को लेकर झुकना शुरू कर देगा, तो आप कुछ इस तरह से दिखाई दोगे। डेली 100 पुशअप्स मारने से सबसे ज़्यादा आपकी कलाइयों में प्रॉब्लम आएगी, सबसे ज़्यादा आपकी रिस्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारा वेट रिस्ट के ज़रिए ही आप अप डाउन करते हैं। और आप इस पेन से बचना चाहते हैं तो आप रिस्ट की बजाय, हाथों की बजाय डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पुशअप बार जो आते हैं उस पर पुशअप लगा सकते हैं। दिस इज़ द बेटर देन विच वन यू कैन चूज द रिस्ट एंड बिटवीन डंबल्स। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा साइंटिफिक तरीके से कि 100 पुशअप्स डेली मारना बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए। तो फिर क्या है, बेटर क्या है, हम क्या करें, पुशअप्स मारना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में 2 बार पुशअप्स कर सकते हैं, एक बार में 3 सेट, वो भी फेलियर तक है। फेलियर का मतलब आप अपनी पूरी 3 सेट लगा दें, लास्ट का जो 3 सेट हो वो आप उससे उठ ना पाए, उसको बोलते हैं फेलियर, यानी कि आप बिल्कुल उसको कर ना पाए। तो हफ्ते में 2 बार 3 सेट लगाएं फेलियर तक, ये सबसे बेस्ट है चेस्ट में फ्रंट बॉडी ग्रोथ करने के लिए। आप 30-30-30 के 3 सेट पुशअप्स मार सकते हैं फेलियर तक के लिए, यानी कि हफ्ते में 2 बार, तो एक दिन में आपका हो गया 90 into 2 180। 180 पुशअप्स इज द इनफ फॉर द मसल बिल्डिंग फॉर द चेस्ट, ट्राइसेप, फ्रंट डेल्ट,
कोर. सो इफ़ यू आर डूइंग 180 पुशअप्स ट्वाइस अ वीक तो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द 18.3% का और आपके ट्राइसेप में 9.5% का कम से कम 3 mm का आपको इंक्रीमेंट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इंशाल्लाह. और इसकी जगह अगर आप 100 पुशअप डेली करोगे तो 8 weeks के बाद आपको क्या आधा भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा. तो आई एम श्योर फ्रेंड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 100 पुशअप्स डेली मारना बिल्कुल भी सही नहीं है. ये आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा आपकी बॉडी को नुकसान देगी. तो इससे अच्छा है कि आप 3 sets ट्वाइस अ वीक टू द फेलियर मारें जो आपकी बॉडी में इंक्रीमेंट करेगा. तो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये फ्री है, आपका पैसा नहीं लग रहा है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तब तक के लिए गुड बाय.